नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शरीफे की बासुंदी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे आप कभी भी बनाकर डेजर्ट के रूप में परोस सकते हैं। इसे आपने बनाकर एक बार अपने परिवार को खिला दिया तो वे आपसे इसे बार बार बनवा कर खाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये हमने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे गीला कर लेंगे चारों तरफ से, और ये पानी हटा देंगे। इसे गीला करके लेने से दूध कढ़ाई के तले में लगता नहीं है। 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हम बॉईल करेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे और इसको बीच बीच में थोड़ा सा चला भी देंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, हम शरीफों से पल्प निकाल लेते हैं। तो ये हमने 2 शरीफे ले लिए हैं। खीर बनाने के लिए हम थोड़े राइप शरीफे लेते हैं और बस इसको इस तरीके से ये हमने तोड़ लिया, और ये सारा पल्प जो है वो चम्मच से निकाल कर ये छलनी रख ली, छलनी में निकाल लेंगे। और इसे हम इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा क्रश करेंगे। और ये देखिए, जो बीज बाहर आ गए हैं उन्हें हम चम्मच से निकाल कर अलग रखते जाएंगे। ये सारे बीज हमने निकाल दिए, और ये जो ऊपर पल्प रह गया है छलनी के, ये भी हम इसी में डाल देंगे। एक शरीफे का पल्प निकाल लिया, दूसरे शरीफे का भी बिल्कुल इसी तरीके से पल्प निकाल लेंगे। और ये जो हम पल्प निकाल रहे हैं, इसे आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। 1 कप पल्प है तो उसमें 3 टेबल स्पून लगभग चीनी मिला दीजिए और एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज़र में रख दीजिए। आप इसे 3 महीने तक जब भी आपको चाहिए दूध में डाल करके शेक बनाना है या फिर आइसक्रीम बनानी है, यूज कर सकते। तो ये शरीफे का पल्प तैयार हो गया। दूध में उबाल आ गया है, हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। इसे हमें आधा होने तक गाढ़ा करना है। फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। हमने ये चौड़ी कढ़ाई ली है। दूध को हम चौड़ी कढ़ाई में गर्म करें तो वो बहुत जल्दी गाढ़ा होता है। हम इसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते तो रहे ही हैं। किनारे इस तरीके से थोड़ा खुरच लेते हैं, बहुत ज़्यादा जमे ना किनारे। दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है, मीडियम कर लिया है। दूध लगभग आधा ही रह गया है और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, और कलर भी इसका अच्छा सा ब्राउनिश हो गया है। तो दूध हमारा पूरी तरीके से कुक है। 4-5 छोटे इलायची को कूट कर पाउडर बना लिया है, ये डाल देंगे। ये हमने 3 टेबल स्पून चीनी ली है, चौथाई कप है, थोड़ा खाली रखा है। चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डाल रहे हैं हम शरीफा। शरीफा बहुत मीठा होता है तो चीनी थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। तो ये दूध तैयार हो गया। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसे हमने 10 मिनट रखकर ठंडा कर लिया, पूरा ठंडा हो गया अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें ये पल्प मिला देंगे। तो ये लगभग 1 कप पल्प निकल आया है। देखिए, ये बन गई अच्छी गाढ़ी शरीफे की बासुंदी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। बनाने में बहुत कम टाइम लगा है। शरीफे की बासुंदी बनकर तैयार है। गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाल देते हैं। आप इसे फ्रिज में 1 घंटा रखकर ठंडी करके सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो शरीफे का मौसम है, शरीफे के गुणों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और इसे बनाना बहुत आसान है। एक तरफ दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक शरीफे का पल्प निकाल लीजिए। दूध गाढ़ा होने के बाद थोड़ा सा ठंडा कीजिए, पल्प को मिलाइए, बासुंदी तैयार है। और इतनी बासुंदी परिवार के 5-6 सदस्यों को परोसी जा सकती है। तो आप ये बासुंदी ज़रूर बनाकर अपने परिवार को खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।